नमस्कार, मैं जतिन सिंह IIMT मीडिया में आपका स्वागत करता हूँ। देश के पहले उपराष्ट्रपति व दूसरे राष्ट्रपति, देश विदेश में अपने नाम से जानने वाले दार्शनिक व शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अलग अलग स्कूल व कॉलेजेस में विद्यार्थी अब इसे अपने अंदाज में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद के बाद यह दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र में अमेरिका जाके भारत का डंका बजाया। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले तो हमारे सारे शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना बहुत अहम योगदान दिया है इस देश को विकसित करने में और इस छात्रों की सोच में पॉजिटिविटी लाने के लिए। मेरी समझ में माता पिता के बाद शिक्षकों का दूसरा स्थान होता है किसी भी बच्चे या किसी भी छात्र के जीवन में। हम देखें तो हमारे जो 24 घंटे की लाइफ साइकिल होती है पर डे की, उसमें अगर इफेक्टिव अगर हम 16 घंटे लगाएं तो उसमें करीब करीब 8 घंटा टेप छात्र अपने शिक्षकों के साथ रहता है और नई चीज़ें सीखना और नई जानकारी प्राप्त करना वो सब कुछ शिक्षकों से प्राप्त करता है। तो इसलिए शिक्षक का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक दिवस बहुत ही पुरानी परंपरा पर आधारित है। हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वो एक बहुत उच्च कोटि के शिक्षक थे जो पूरे समाज के लिए जो है एक आदर्श थे। वास्तविकता तो ये है कि शिक्षक दिवस में हमें ये एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें शिक्षक से सीखना क्या है और किस तरीके से हम शिक्षक से अधिक सीख सकें। और शिक्षक का भी ये नैतिक कर्तव्य है कि अपने शिष्यों को जितना भी ज़्यादा सिखा सकता है, अच्छे संस्कार दे सकता है, अच्छी शिक्षा दे सकता है, उसे देना चाहिए। और एक शिष्य के लिए भी ज़रूरी है कि हमें गुरुकुल की परंपरा को ध्यान में रखते हुए, शिक्षक के सम्मान को बरकरार रखते हुए, लगातार हमें उससे अनुरोध और ये लगातार हमें उससे कहना चाहिए, मैं एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा, कि पीछे पड़ा रहना चाहिए कि वो उसे अधिक से अधिक देने के लिए मजबूर हो जाए। मेरे अकॉर्डिंग टीचर इज अ फ्रेंड, वी कैन से टीचर इज अ फिलोसोफर, या फिर टीचर एक गाइड है हु ऑलवेज होल्ड्स योर हैंड्स एंड ओपन्स योर माइंड एंड कीप्स अस टुगेदर। एक टीचर एक पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग, एंड जो टीचर का कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में, दैट कैन नॉट बी एवर इग्नोर्ड। शिक्षक में दो गुण अंतर्निहित होते हैं, एक ये कि वो हमें डराकर नियमों से बांधकर एक सटीक इंसान बनाते हैं, और एक दूसरा वो हमें खुले आसमान के नीचे छोड़ते हैं ताकि वो हमें सफलता का मार्ग तैयार करवा सके। हमारे जन्मदाता यानी हमारे माँ बाप से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे शिक्षक होते हैं, क्योंकि ज्ञान ही इंसान को व्यक्ति बनाता है और ज्ञान ही जीवन का आधार हो चुका है, जो कि हमें एक शिक्षक बहुत अच्छी तरीके से प्रदान कर सकते हैं। मेरा मानना है कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पशु को मनुष्य बनाने में शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान होता है। शिक्षकों की हमारे समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षकों की भूमिका को सिर्फ इस प्रकार समझा जा सकता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने एक लाइन कही थी, एक वाक्य कहा था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। इसी के साथ हम शिक्षक की भूमिका को समझ सकते हैं। टीचर्स डे हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। टीचर्स सही गलत का हमें महत्व बताते हैं कि हमारी लाइफ में क्या सही है और क्या गलत है। टीचर्स माँ बाप से बढ़कर होते हैं। एक अच्छा शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद को जलाकर हम स्टूडेंट्स की लाइफ में प्रकाश भर देता है। शिक्षक दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ शिक्षकों को सम्मानित करना नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि एक शिक्षक के लिए तो रोज ही शिक्षक दिवस होता है। शिक्षक दिवस सिर्फ इसलिए है ताकि हम अपने विद्यार्थियों को इस बात का एहसास करा सकें कि उनके जीवन में एक शिक्षक का कितना महत्व है। यह सही है कि शिक्षक जीवन को एक दिशा दे सकता है। एक अच्छा शिक्षक एक छात्र को चाहे तो किसी देश का राष्ट्रपति बना दे और चाहे उसे दर दर ठोकरे करने खाने के स्थिति में छोड़ दे, लेकिन यह छात्रों का भी विद्यार्थियों का भी दायित्व है कि वे अपने शिक्षकों का सम्मान भी करें
और उनकी दी गई शिक्षाओं पर अमल करें, क्योंकि शिक्षक अपने अनुभव से एक कच्चे हीरे की तरह जो बच्चा होता है उसको तराश कर एक कोहिनूर बनाना चाहता है। और इसमें जब तक छात्र शिक्षक के साथ सहयोग नहीं करेंगे तब तक शिक्षक भी कुछ नहीं कर पाता। मेरे अनुसार शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु शिक्षक के अंदर होती है वो कठोरता होती है। जब मनुष्य विद्यार्थी के हित की बात कठोरता से कहता है तो बहुत सही कहता है, क्योंकि मानस में महर्षि तुलसीदास ने कहा है कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास और राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगैनास। अर्थात यदि शिक्षक हमारे हित की बात हमारे अनुसार करने लग जाए तो हमारे नाश के क्षण नज़दीक हैं। तो और शिक्षक यदि कठोर है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर है और यथार्थपूर्ण है।